जनपद अलीगढ़ में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 299वीं जयंती समारोह कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह अहिल्याबाई होलकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक रैली निकाली गई, जो कि कवारसी चुंगी किशनपुर तिराहा गांधी आई दुबे का पड़ाव हाथरस अड्डा होते हुए ससनी गेट पर स्थित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा स्थल पर संपन्न हुई। इसके बाद सभी समाज के लोगों ने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं रक्तदान शिविर में 40 लोगों ने रक्तदान भी किया। टीएस कॉलेज के ऑडिटोरियम में एक संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी व डॉक्टर विनोद सिंह धननगर, विशिष्ट अतिथि उप जिला अधिकारी बुलंदशहर दीपक कुमार पाल, जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। देवी माता श्री अहिल्याबाई होलकर को लेकर कि आज इसके जन्म उत्सव हम 299 मना रहे हैं। किस तरह का आगामी और कार्यक्रम समाज के इतने कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा होते रहे और होते रहेंगे। पत्रकार समाज कल्याण समिति पत्रकारों का संगठन न होकर भी समाज का भी कार्य करता है। आज यहाँ पर पत्रकार साथियों ने माल्यार्पण किया और इसको देखते हुए समाज के लोगों में इतना उत्साह आया कि वो भी अपने जो है घर परिवार छोड़कर यहाँ माल्यार्पण करने आए। 299वीं जयंती का जन्मोत्सव मनाया गया है, इसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर एक साधारण परिवार में जन्मी असाधारण शासिका, न्यायप्रिय, कर्तव्यपरायण शासिका थी। उन्होंने देश के 4 धाम, 5 7 पुरी और 12 ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार कराया, तथा 12,476 कुएं, घाट और जो है राजमार्गों का निर्माण कराया। वो उन्होंने सिर्फ देश में ही नहीं, उनकी ख्याति विदेशों तक थी, इसलिए उन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है। मैं एक समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमें अपना पुराना इतिहास प्राप्त करने के लिए नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। तो अगर हम नारी शिक्षा पर ध्यान देंगे तो यही उनसे प्रेरणा लेकर के नारी शिक्षा पर ध्यान दें और लड़कियों को आगे बढ़ाएं। जिसमें कि देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से एक वाहन और रैली का जुलूस देवी अहिल्याबाई होलकर चौराहा शास्त्री गेट तक गया, जिसमें माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण के बाद फिर यहाँ डीएस कॉलेज ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। आज 31 मई 2024 को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के 299वें जन्म महोत्सव को हम जनपद अलीगढ़ में बहुत भव्य तरीके से मना रहे हैं। सर्वप्रथम मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, जनपद वासियों को, आप सभी को मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के जन्म महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। हमारा कार्यक्रम ये था, देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम से हम लोगों ने एक बाइक रैली निकालकर अहिल्याबाई होलकर चौक सासनी गेट पर मातेश्वरी अहिल्याबाई के माल्यार्पण किया। उसके बाद अब हम यहाँ डीएस कॉलेज सभागार में एक सभा का आयोजन कर रहे हैं और मातेश्वरी की आज हम ये प्रेरणा लेते हैं कि मातेश्वरी के पद चिन्हों पर चलकर हमारा समाज एक आगे जागृति करे और सब पूरा देश खुशहाल रहे, ये सबको शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।